दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में तो आज की शूडियो में छत्तीसगढ़ धान खरीदी को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है क्या आपको धान खरीदी का जो प्रति क्विंटल बत्तीस सौ सदर रुपया जो है समर्थक मूल्य देखने को मिल सकता है या फिर नहीं या फिर पूरी जानकारी आपको जहाँ पर देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से आपको ए टू जेड आपको जानकारी हम प्रोवाइड कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या पर धान का चौथा चीज जो कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार का जो है जहाँ चौथा तो बोनस जो बचा है क्या उसको बीजेपी की सरकार देगा क्लियर इस वीडियो के माध्यम से आपको ए टू जेड देखने को मिलेगा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो कई सारे यूट्यूबर जो आपको फेक न्यूज हैं जहाँ पर सरकार के जो स्पेस होती है उसको चलाकर यहाँ पर आपको बताते हैं लेकिन उसमें सरकार यहाँ पर जो घोषणा करता है उसको यहाँ पर दिखाता नहीं है इसलिए आपको आपको चैनल पर हमारे सही और सटीक जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी, भी मत भूलिएगा चलिए क्या ये सच है या फिर नहीं इसकी जानकारी आपको हम देते हैं दोस्तों तो दोस्तों पहली हम आपको वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर दे सकते हैं रायपुर में दीक्षित हैं बैठक के दौरान प्रदेश में यहाँ पर वरिष्ठ नेता था। जो धनंजय ठाकुर जो है कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने यहाँ पर एक नवंबर से धान खरीदी की जाए उसको लेकर मांग यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर किसानों को धान क्विंटल प्रति एकड़ बत्तीस सौ सत्रह को यहाँ पर मांग किए जाए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान संगठन ने भी यहाँ पर बत्तीस सौ सत्रह की मांग की है उसको यहाँ पर कांग्रेस सरकार भी यहाँ पर इसको समर्थक दिया है यहाँ पर देश लेकिन बीजेपी की सरकार ने यहाँ क्लियर पूरे वीडियो में बताएं कि क्या कहा है तो यहाँ पर खरीदी किसानों को यहाँ पर बेचे गए धान का जो है मूलत एक मुस्त यानी कि यहाँ पर एक एकमुश्त प्रति एकड़ सड़सठ हज़ार यहाँ पर पाँच सौ सन्तावन रुपये की जाए यहाँ पर भाजपा ने एक तस सौ यहाँ प्रतिशत कितना इकतीस सौ रुपये यहाँ पर प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था और इस साल भी आप इक्कीस सौ रुपये प्रति क्विंटल ही धान आपको मिलेगा कोई यहाँ पर बढ़ना नहीं है हालाँकि यहाँ प्रतिशत केंद्र सरकार ने यहाँ पर, पर धान को यहाँ पर समर्थक मूल्य सौ सत्रह रुपये बढ़ोतरी किया है एक सौ सत्तर रुपये केंद्र सरकार के तरफ बढ़ती होना चाहिए लेकिन सरकार की तरफ से बीजेपी की सरकार इस साल भी इकतीस रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कही है कई लोगों को यहाँ पर आपको न्यूज़ में देखेंगे कि जो है धान खरीदे हुए चौबीस पच्चीस के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बत्तीस और सत्रह लेकिन हम आपको पहले बता दें बीजेपी की सरकार अभी तक इसको जो है मंजूरी नहीं दिया है हालांकि यहाँ पर जो है किसान संगठन ने इसका समर्थक जो है जो मांग किया था कि किसानों को यहाँ पर प्रति क्विंटल इक्कीस क्विंटल में यहाँ पर बत्तीस और सत्तर रुपये जो खरीदी है वो किया जाए जो वहाँ पर जो है माननीय जो है भूपेश बघेल ने भी इसका समर्थन किया जो कि यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके है मा, पूरे हैं माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी धनंजय ठाकुर जी ने भाजपा के यहाँ पर विधानसभा के दौरान यहाँ पर दिशित हैं जो मुख कांग्रेस सरकार के यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर किसानों को वहाँ पर धान बेचने के लिए यहाँ पर दिशित है गाँव में ही केंद्र खोला जाए इसको लेकर बहुत बड़ी मांग की है तो आपको बताते चलिए इस अभी तक इसको लेकर कोई भी अपडेट यहाँ पर सामने नहीं निकल के आई है कि इसको बढ़ाया जाएगा करके तो दोस्तों आपको यहाँ पर अभी तक आप पंजीयन नहीं कराए तो यहाँ पर पंजीयन यहाँ पर लास्ट तक आप पंजीयन नहीं कराएंगे तो आप इसमें छूट जाएंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब पहले आपको आपको जानकारी यहाँ पर मिलते रहेंगे तो बता दें आपको यहाँ पर बत्तीस रुपए सत्तर रुपये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने अभी तक इसको मंजूरी नहीं दिया है यहाँ पर आपको बताते चले जो है इस साल भी यहाँ पर इकतीस रुपये आपको प्रति क्विंटल यानी कि जो है इक्कीस क्विंटल प्रति एकड़ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जो कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने पिछले साल वादा भी किया था पूर्ण भी कर रहा है आपको फेक न्यूज़ में नहीं जाना है किसी प्रकार के आपको हालांकि इसका मांग किया था यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने भी इसका समर्थन किया है लेकिन बीजेपी की सरकार हमारे माननीय सीएम ने इसको मंजूरी नहीं दिया क्योंकि जब तक मंजूरी नहीं देता तब तक पहले लागू नहीं हो सकता दोस्तों तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ वो जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा आपको सही जानकारी सटीक जानकारी